अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरिंग। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश पेपर जो कि हेल्ड किया गया था 4 जून 2023 को। तो बेसिकली पेपर हेल्ड किया गया था सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ। तुम्हारे पास फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द नेबर लुक एट अ लिटल एंड टैटी दिस डे। अब ये टैटी बोलते हैं बेसिकली पुअर कंडीशन में। तो नेबर लुक एट अ लिटल, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? रन डाउन। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है मतलब कि ऑप्शन नंबर वन का क्या बन रहा है? रन डाउन। जो पहले एम सी क्यू उसका राइट ऑप्शन हो क्या है? रन डाउन। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 बनता है। उसमें लिखा हुआ कि आई एम अफ्रेड ऑफ यंगर सन एंड नेवर हैड पर्टिकुलरली क्विक ऑन डैश। अब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है? अप टेक। उसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो बी का जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या आता है? डी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 बनता है कि दिस आफ्टरनून वी आर टू डैश ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो इसमें दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है? वी आर डैश ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो क्या है? फोकस। तो क्या हो जाएगा? दिस आफ्टरनून वी आर फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिलोसफी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट में इनक्यूबेटर एंड इन फैक्ट चूज द एनालॉजी। आप इसके मतलब कि रिलेटेड एनालॉजी क्या बनती है? तो वो बन जाती है जैसे इनक्यूबेटर इन फैक्ट। तो इसी के रिलेटेड जो बन रही थी ऑप्शन नंबर ए ग्रीन हाउस एंड प्लांट। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि एमसीक्यू नंबर हमारे पास बनता है 5 के। अब जो हमारे पास ऑप्शन मतलब कि एमसीक्यू नंबर 5 के साथ टोरियन टेलर चूज एन एनालॉजी, तो इसके रिलेटेड एनालॉजी क्या बनती है? तो इसके थेस्पियन एंड डिजाइनर, तो ऑप्शन नंबर ए। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसमें लिखा हुआ कि एंटोनिम ऑफ ट्रेबिडेशन, यानी एंटीनम ऑफ ट्रेबिडेशन क्या है? तो इसका एंटीनम हमारे पास क्या होता है? बेसिकली फियरलेसनेस, यानी जो हो सकता ना हो सके। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसमें लिखा हुआ कि सिनोनिम ऑफ बोइस्टरस, तो इसका सिनोनिम क्या होता है? नॉइसी, ऑप्शन बी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जिसमें लिखा हुआ कि सिनोनिम ऑफ प्लेंटिव, तो प्लेंटिव का सिनोनिम क्या होता है? बेसिकली मॉरन फुल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ कि माई एंड लिव डैश ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑन डैश ओल्ड हाउस ऑन डैश रिवर थर्न्स। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए के माई एंड लिव द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एंड ओल्ड हाउस ऑफ द रिवर थर्न्स। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जो कि एमसीक्यू नंबर पास 10 है कि आई वेंटेड अ बुक ऑफ डैश ऑस्कर वर्ल्ड एंड आस्क द लाइब्रेरियन टू शो डैश मी एंड सम डैश इज बुक। तो जो हमारे पास 10 है, 10 का ऑप्शन जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए कि आई वांट बाय ऑस्कर वर्ल्ड एंड आस्क द लाइब्रेरियन टू शो डैश मी सम ऑफ हिज बुक। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ कि डैश इज अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मन चोस्मी टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट। तो सिचुएशन, तो बेसिकली परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस एंड टर्म, तो जो उसने नॉर्मन चोकन, तो बेसिकली जो है वो आई वॉन्टेड अ बुक ऑफ मतलब की जो लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर 11 के डैश टर्म इंट्रोड्यूस बाय नॉर्मन चोम्स्की टू डिस्क्राइब द एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट सिचुएशन। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इज अ टर्म इंट्रोड्यूस, यानी परफॉर्मेंस की टर्म इंट्रोड्यूस की थी नॉर्मन चोस्की ने। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 पर मूव करते हैं द टर्म यूज इन फॉर नॉन लिंग्विस्ट एक्सेप्ट ऑफ स्पीकिंग। अब नॉन लिंग्विस्ट क्या होती हैं? नॉन वर्बल को, यानी ऐसी चीज जो हमें कम्युनिकेशन करें थ्रू पिक्चर या थ्रू मतलब कि जो हम राइटिंग से जो है वो स्पीकिंग करते हैं, उसके अलावा अगर हम नॉन वर्बल स्पीकिंग करें मतलब कि थ्रू पिक्चर या थ्रू फिजिकल एनी सेट ऑफ थिंग, तो उसके लिए जो हमारे पास लैंग्वेज उसको बोलते हैं नॉन लिंग्विस्टिक। तो नॉन लिंग्विस्टिक में क्या बोलते हैं? बेसिकली पैरा लैंग्वेजिक। तो इसका 12 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी।
उसको हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि एमसीक्यू नंबर हमारे पास 13 बनता है कि दिस हिस्टोरिकल अप्रोचेस टू लैंग्वेज स्टडी विच इन्वेस्टिगेट द चैनल इन लैंग्वेज थ्रू टाइम इज सेड एज टू बी। तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल अप्रोच है उसको हम क्या बोलते हैं, डायक्रॉनिक। तो जिसको ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ, द सिलेबस इन विच द कॉन्सोनेंट फंक्शन एज ए न्यूक्लियस आर कॉल्ड। तो जिसमें मतलब कि कॉन्सोनेंट होते हैं एज ए फंक्शन उसको हम बोलते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। तो जो 14 का सही ऑप्शन है वो क्या है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके लिखा हुआ द प्रीसीडिंग्स साउंड इन्फ्लुइंग इन द फॉलोइंग साउंड इज एन इंस्टेंस ऑफ डैश सिमुलेशन। तो बेसिकली वो किसकी होती है, प्रोग्रेसिव इंसिमुलेशन। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डैश प्रोसेस ऑफ अ वर्ल्ड फॉर्मेशन बाय विच अ न्यू वर्ल्ड आर फॉर्म बाय अटैचिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू बेस फॉर्म। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेरिवेशन इज द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों को हम फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ, कि डैश आर ग्लाइडिंग साउंड आर ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन द स्पीच ऑर्गन ग्लाइड फ्रॉम वन वोवल पोजिशन टू नॉदर। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं कि जो ग्लाइडिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं सेमी वेव, सेमी वोवल। सेमी वोवल यानी ऐसे अल्फाज जिनके अंदर हम जो है वो जोर प्रोड्यूस कर होते हैं। जैसे हमारे पास हम जैसे हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के लफ्ज़ तो पहाड़, तो ये रे पे जो मतलब कि जो जोर पैदा होता है उसको बोलते हैं सेमी वोवल है। जैसे हम इंग्लिश में कहें तो प्लांट, प्लांट के टी के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा होता है तो इसको हम बोलेंगे सेमी वेवल वोवल। उसके बाद हम सिक्योर नंबर 18 तरफ आते हैं कि हु इंट्रोड्यूस इन लिंग्विस्टिक द कॉन्सेप्ट सिमिलर टू सेसीआर लैंग्वेज एंड पैरोली। तो बेसिकली लिखा है कि हु इंट्रोड्यूस लिंग्विस्टिक द कॉन्सेप्ट सिमिलर सेसीआर लैंग्वेज एंड पैरोली। तो उसको किसने डिस्कवर किया था, तो उसका नाम था बेसिकली जो है इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर डी, नोमन चोम्स्की। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट, तो एमसीक्यू नंबर 19 है कि हाउ लैंग्वेज इज लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस लाइक हाउ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड एंड हाउ लैंग्वेज स्टोर इन अ ब्रेन एंड हाउ लैंग्वेज इज असेस एंड प्रोसीड बाय अ ब्रेन आर स्टडी अंडर। तो बेसिकली कौन से प्रोसेस के अंडर स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्विस्टिक। तो इसका जो ऑप्शन से राइट है वो ऑप्शन नंबर सी है। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ, ग्रामर कंटेंट प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल लैंग्वेज एंड inhabitability process in human being are called। तो basically इसके अंदर different option लिखे हुए हैं, transformer, syntax, universal grammar या semantic। तो इसका जो right option है वो है universal grammar। उसके बाद move करते हैं next MCQ की तरफ, जो कि MCQ number 20 है कि an auxiliary language which arise to fulfill certain limited communication need among people who have no common language is known as। तो basically इसको option जो right option number C है, यानी pendigin। एनगिन के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि स्पीच एक्ट थ्योरी वॉज डिवेलप बाय, तो स्पीच एक्ट थ्योरी को डिवेलप करने वाले का नाम क्या था, बेसिकली जॉन लैंग्विस्ट एस्टिन। जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी है कि जॉन जे एल एस्टिनस्ट, जिसकी फुल फॉर्म बनती है जॉन लैंग्विस्ट एस्टिनस्ट। उसको हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 23 की तरफ, विद द टर्म डैगोलस। के एमसीक्यू नंबर 23 हमारे पास क्या है कि अब लिखा हुआ कि द टर्म डेग्लोसिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब जो डेग्लोसिया का वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं गया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स फर्गुसन। उसके बाद चार्ल्स फर्गुसन के पास नेक्स्ट म्यूजिक तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्रोनिम। तो एक्रोनिम की कौन सी एग्जांपल है, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है, यूनेस्को ऑप्शन बी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डैश आर आर्टिकुलेटेड बाय राइजिंग द बैक ऑफ टंग टुवर्ड द सॉफ्ट लिड। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वेलोरा। तो बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट में जो है वो 1 से लेकर 25 तक एमसीक्यू कवर किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे 25 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के पेपर, जो कि हेल्ड हुआ था 4 जून 2023 को। तो इससे पहले एक पार्ट हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो ये अब हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं हमने एमसीक्यू नंबर 25 की 26 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ कि विच ऑफ द फेमस
एग्लिटरेटेड बाय शैली, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी एंडोनिस। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि रिस्टोर क्लासिफाई प्लॉट इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता है गोरेस एंड प्रिपियर। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोइम, तो वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग पोइम का नाम क्या था, तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है, जो इसमें एक ऑप्शन गिवन है डैफोडिल, ये आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 28 का हुआ है ऑप्शन नंबर डी द प्रेल्यूड। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ कि व्हाट इज द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड एस्टर्न एज, तो एस्टर्न एज कौन सी पीरियड को बोला जाता है, बेसिकली 18th सेंचुरी को बोला जाता है कि एस्टर्न एज, तो अगस्टन एज इज कॉल्ड बेसिकली 18th सेंचुरी, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले ऑफ शेक्सपियर, यानी इनमें से शेक्सपियर कौन सा प्ले नहीं है, तो बेसिकली जो शेक्सपियर का प्ले नहीं है वो कौन सा है, जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है ऑप्शन नंबर, तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी पैंगमोलियन। अभी पैंगमोलियन जो प्ले बेसिकली इसको राइट लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, तो बाकी सारे के सारे प्ले जो है टेम्पेस्ट किंग लियर एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारे के सारे शेक्सपियर के हैं, और बाकी पैंगमोलियन जो है ये किसके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू जो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 31 है कि हु इज अ विलन इन हैमलेट, यानी जो विलन था हैमलेट में उसका नाम क्या था, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन, तो ऑप्शन जो इसमें राइट ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी, जिसका ऑप्शन नंबर सी कैलेसडिस। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि द फ्रेज पैथेंटिक फैल्कली इज कॉइंड बाय, तो इसको कॉइंड किसने किया था, बेसिकली 32 का जो राइट ऑप्शन है वो है जॉन रिस्किन, तो एमसीक्यू नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन बनता है वो जॉन रिस्किन, यानी जो है पैट्रिक फैलिंग को जो कॉइन किया था किसने किया था जॉन रिस्किन ने। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 33 की विच इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इस पीरियड को जो है वो इंग्लिश में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, तो इसमें जो मतलब राइट ऑप्शन बनता है उसको कहते हैं एलिजाबेथ हेज ऑप्शन इज एलिजाबेथन एज इज बेसिकली कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 19th सेंचुरी वुमेन नॉवलिस्ट, यानी इनमें से कौन सा 19th सेंचुरी वुमेन का नॉवल है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली जॉर्ज एलाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी बनता है जॉर्ज एलाइट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 35 के अंदर आ जाते हैं क्या, फिगर ऑफ स्पीच वेयर ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटी विदाउट यूज ऑफ वर्ड लाइक और एज इज कॉल्ड, तो बेसिकली अगर लाइक और एज की कमांड यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे सिमिली है, अगर वैसे किसी चीज़ से तशबीह दे रहे हैं तो तशबीह दी जा रहा है तो उसको बोलते हैं मेटाफर, जिसको राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मेटाफर। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, कि अलैया इज द पेन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर, अलैया किसके पेन मतलब ऑथर के नाम का पेन, मतलब कि ये अलैया किस ऑथर के पेन का नाम था, तो जो 36 नंबर एमसीक्यू का नाम बनता है चार्ल्स नेम्स का। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, के आफ्टर होम वर्डवर्थ बिकम पोएट द लिटरेटर ऑफ द इंग्लैंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है बेसिकली रॉबर्ट साउथली ऑप्शन नंबर ए। फिर मूव करते हैं इंटरव्यू नंबर 38 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि स्वीट आर यूज ऑफ एडवर्सरी द लाइन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द प्ले, मतलब कि द स्वीट आर यूज ऑफ एडवर्सरी किस लाइन मतलब कौन सी प्ले की लाइन है, तो ये प्ले ऑप्शन नंबर डी का है कि हैज यू लाइक इट, शेक्सपियर का प्ले था जिसके अंदर से लाइन उठाई गई है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 39 की तरफ, विच वाज द फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस, यानी कौन सा फर्स्ट नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का, तो चार्ल्स डिकेंस का जो फर्स्ट नॉवल था उसका नाम क्या था पैकविश पेपर, जो कि फर्स्ट नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस का। उसको मूव करते हैं कि नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ, हु इज ऑथर ऑफ
सिंबोलिज्म, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है एरिस्टोटल, लिंग्विस्टिक एंड प्लाटो। तो जो इसका राइट ऑप्शन बन रहा है कि सिंबोलिज्म का जो राइट मीनिंग है वो क्या है, बेसिकली प्लाटो, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 41 की तरफ के, एरिस्टोटल सेड ऑफ चोरस इज अ ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑप्शन है, तो एरिस्टोटल सेड मतलब कि ग्रीक है, उसने क्या मतलब वर्डिंग कैसे किया, तो उसने कहा था यू शुड बी रिगार्ड एज वन ऑफ ऑथर। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी। तो 41 एमसीक्यू नंबर का राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 42 की तरफ, हु मेड डेस्टिनेशन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो आप जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि डेस्टिनेशन किसने क्रिएट की थी बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन और फैंसी के बीच जो डिस्कवर किया उसका नाम था कोलरिज। तो 42 नंबर एमसीक्यू का जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, लिखा हुआ कि होम डेड एरिस्टोटल कंसीडर्ड द मोस्ट ट्रेजिक ऑफ द ग्रीक ड्रामेटिक। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर डी यूरिपिडीस। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ कि होम डेड स्पेंसर डेडिकेटेड हिज शेपर्ड कैलेंडर। तो किसने जो है वो शेपर्ड कैलेंडर को मतलब कि डेडिकेट किया था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर मतलब कि एमसीक्यू नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो कौन, सर फिलिप सैडनी, यानी ऑप्शन नंबर 1। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसके अंदर लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। मतलब कौन सा वर्क है उसको मतलब कि जॉन मिल्टन ही लिखा, तो इसका सही ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है के एबल्सन एंड एच डी पोल। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट में की तरफ के, हुई ऑथर ऑफ टोपिया। टोपिया का राइटर कौन था, तो उसका नाम था बेसिकली सर थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर डी। उसको मूव करते हैं नेक्स्ट में की तरफ के, जो कि 47 नंबर एमसीक्यू थे कि हु वाज अपॉइंटेड एज द पोएट लिटरेट आफ्टर विलियमसन वर्डवर्थ। तो बेसिकली जो पोएट लिटरेट था उसका नाम था विलियम वर्डवर्थ, तो उसका नाम था बेसिकली विलियम, उसका नाम था टेनिसन। तो जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी टेनिसन। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में की तरफ के, विलियम शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले इज। तो विलियम शेक्सपियर का जो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेयर था उसका नाम क्या था बेसिकली, हैमलेट, ऑप्शन नंबर डी। फिर मूव करते हैं 49 एमसीक्यू की तरफ के, हु इज द ऑथर ऑफ पियर पोलवैमो। तो जो इसका राइट ऑप्शन है बेसिकली वो क्या है, विलियम लैंगलैंड, ऑप्शन नंबर डी। फिर मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ, जो आज हमारी वीडियो को लास्ट एमसीक्यू देखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज कॉल्ड नॉवल विदाउट अ हीरो। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा नॉवल है जिसको कहेंगे कि ये नॉवल मतलब हीरो के बगैर है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए वैनिटी फेयर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी। बेसिकली आज की वीडियो हमने जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का पेपर जो कि हेल्ड हुआ था 4 जून, आज उसको हमने जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इस तरह कोई पेपर हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।